हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं गेहूं से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरीके से नाश्ता बनाने वाली हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहां पर एक बाउल आटा, गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। एक चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दिया है और 2-3 चम्मच देसी घी हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं। और इसमें अच्छे से मौन देना है। जब ये मुट्ठी बनने लगे तो आप चाहें आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट आटा तैयार है। तो ये आटा हमारा अच्छे से मोयन हो गया है। तो अब हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका हम एक डो तैयार करेंगे। आटा आप बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा गीला ना करें, ये आटा थोड़ा टाइट ही रहे तो नाश्ता परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो आटा हमारा लग गया है तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब चलते हैं, हम इसके लिए एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो आलू को मैंने पहले से बॉयल कर लिया था, ठंडा करके मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। आप आलू को कद्दूकस ही कर लें, नहीं उसमें थोड़े से गुठलियाँ रह जाती हैं तो नाश्ता बनने में दिक्कत होगी। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच चाट मसाला, हींग और थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब मूंगफली को पहले से भून लिया था, उसके सारे शिकल साफ कर लिए थे। अब इसको हम इस पीस के इसमें डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच चाट मसाला डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। तो जो मैंने आटा लगा के रखा था उसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसकी एक लोई तैयार कर लेंगे। हाथों से उसको गोल कर लेंगे और हम जिस तरीके से रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको बेल लेंगे। उतना ही पतला हमें रखना है, बस ये रोटी से थोड़ा बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, उसको बीच में रख दें और जो आलू की स्टफिंग बना के रखे हैं उसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब चम्मच से या हाथों से इसको चारों तरफ से अच्छे से फैला दें, बिल्कुल इसी तरीके से। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से अच्छे से फैल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो बीच में हमने कटोरी रखी थी उसको हटा देंगे और आप चाकू ले लें या पिज्जा कटर जो भी आपके पास हो उससे इसकी पतली पतली सी इसी तरीके से पीसेस हम कर लेंगे, कट कर लेंगे। इस तरीके से जब आप नाश्ता घर पे बनाएंगे तो बच्चे बाहर से चिप्स कुरकुरे खाने भूल जाएंगे। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है, आप इसे मिनी समोसा भी बोल सकते हैं। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे चाय के साथ ले सकते हैं या ऐसे भी बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक पीस बीच से थोड़ा हाथों से बढ़ाते हुए इसका रोल कर लेंगे। आप चाहें तो साइड में थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं जिससे ये खुलेगा नहीं। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर थोड़ा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में जो भी आप तेल खाते हैं उसे डाल दें। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें जो मैंने नाश्ता बना के रखे हैं उसे आराम से इसमें डाल देंगे। और जब एक तरफ से अच्छे से लाल हो जाएगा तब हम इसको उलट पलट के अच्छे से लाल कर लेंगे। ये इतना क्रिस्पी बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसे बना के 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो नाश्ता हमारा अच्छे से लाल हो गया है, यानी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप चाहें तो इसे आप मैदे से भी बना सकते हैं, पर हमें थोड़ा हेल्दी बनाना था तो मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे से बनाया है। तो नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस से हम सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। तो नाश्ता हमारा तैयार है। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।